Hi guys, wish you a very, very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of GYS as it is 17th May, and we are here on Sunday. So I promised you to be here and we'll discuss the important news articles here. So let's start today's news analysis. So आज का फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है गवर्नमेंट थ्रोज ओपन डिफेंस प्रोडक्शन एंड कोल सेक्टर. मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट ने निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि फिनेंस मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट, उन्होंने फोर्थ ट्रेंच ऑफ स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस किया है. उसके तहत उनका जो फोकस रहा है वो इंडस्ट्रीज़, एविएशन, स्पेस, डिफेंस, मिनरल्स, कोल पे रहा है. स्पेशली कोल प्रोडक्शन एंड डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो इनका मेजर सेक्टर्स रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने कुछ पैकेजेस जो अनाउंस किए हैं वो फोकस करते हैं. इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, उनका ये कहना है कि जो वेपन्स हम बाहर से परचेज कर रहे हैं डिफेंस के लिए, दे शुड बी मैन्युफैक्चर्स इन आर ओन कंट्री. ये हम बाहर से नहीं परचेज करेंगे और उन पर ज़रूरी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जहाँ से भी वो परचेज किए जा रहे हैं. ओके, इसके अलावा मिनरल्स और कोल इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स की है उन्होंने. अकॉर्डिंग टू देम, उन्हें भी कोल इंडस्ट्रीज़ को भी हमें जो है प्राइवेटाइजेशन करना होगा, जिससे मैक्सिमम लेवल पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट गेन हो सके. इसके अलावा मिनरल्स के 500 माइनिंग ब्लॉक्स हैं जो एट प्रेजेंट सरकार के पास में हैं और वो दे आर ऑफ नो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्हें भी सरकार जो है ऑक्शन में लगाएगी, जिससे कि एक रेवेन्यू जनरेट होगा, इकोनॉमी जनरेट होगी. एंड अकॉर्डिंग टू फिनेंस मिनिस्टर, सिविल एविएशन जो है उसके डिपार्टमेंट में उनके स्पेशल अनाउंसमेंट भी किए गए हैं रिगार्डिंग एयर स्पेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एयर स्पेस, जिससे कि 60% जो एयर स्पेस है उसे यूटिलाइज किया जा सकेगा और वो ओपन होगा यूज़ करने के लिए. अदर देन दिस, पावर सेक्टर्स के बारे में बात की है, तो यूटी के अंदर जो कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा. ओके, इसके अलावा स्पेस की अगर बात करें तो प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और स्पेस ट्रेवल पर जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है. इसका जो है, इसकी अनुमति जो है सरकार द्वारा दी गई है कि मैक्सिमम लेवल पे स्पेस ट्रेवल का या प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन जो है इनका, इनके जो है प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन सेक्टर्स के अंदर. ओके, एटॉमिक एनर्जी के बारे में, ट्रिपल पी मोड में लाने की बात की है, रिसर्च रिएक्टर्स को ट्रिपल पी मोड में सेटअप करने की बात की गई है. ओके, मेडिकल आइसोटॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की. नेक्स्ट इज़ पुट मनी इन द हैंड ऑफ पीपल. ओके, इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू पॉलिटिकल सेक्टर. देखिए, राहुल गांधी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उन्होंने ऐसा कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को एट प्रेजेंट साहूकार की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए. इट मीन्स मनी लेंडर्स की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए. गिविंग लोन्स वगैरह जो वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोन कम कीमतों पर, कम दरों पर इवन, तो ये नहीं करके और सरकार को जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए. कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय सरकार की ज़रूरत है कि वो पर्सन टू पर्सन, ये जो है हैंड टू हैंड लोगों को मनी प्रोवाइड करवाए. ओके, सो पर्टिकुलरली आई डोंट नो, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को जो है जो ऑन ऑफ स्विच जो पॉलिसीज़ हैं, या हम कह सकते हैं लॉकडाउन के अंदर जो कंटिन्यू लॉकडाउन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके तहत कुछ इंटेलिजेंटली बिहेव करना चाहिए. इकोनॉमी के को लेकर वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में वर्क करना चाहिए, ना कि स्पेस और प्लैनेटरी सेक्टर्स में, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है. और उनके अलावा उन्होंने ये भी अपील की है कि सरकार द्वारा लोगों को हैंड टू हैंड जो है मनी प्रोवाइड करवाई जाए, ना कि कैश ट्रांसफ़र्स द्वारा. तो देखिए, मैं नहीं जानती कि किस हद तक पॉसिबल है लोगों को हैंड टू हैंड मनी प्रोवाइड करवा पाना, बट स्टिल अगर ये बात जो है प्रेसिडेंट कह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट कह रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस बात में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो.
ओके सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 24 माइग्रेंट्स डाई. अब कंटिन्यूसली देखिए माइग्रेंट्स के डेड होने का या हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल इश्यूज़ जो है कंटिन्यूसली माइग्रेंट्स से रिलेटेड बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं हम कह सकते हैं, या काफ़ी लंबे समय से घर ना जा पाने के कारण उनका जो एक या इकोनॉमिक इशूज़ इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए उनका जो एक्साइटमेंट है घर जाने को लेकर उसको लेकर कुछ जो है घटनाएँ देखने को मिल रही है. हालांकि कि ये एक्सीडेंट वो नहीं है जो जिसमें उनकी गलती हो, ये ट्रेलर और जो है लॉरी के बीच का एक्सीडेंट है. इसके अंदर सामान से भरी हुई एक जो लॉरी है वो निकल रही थी और करीब 50 मेंबर्स या 50% से भरा हुआ एक ट्रेलर था जो कि माइग्रेंट वर्कर्स का था, उसके अंदर कैरी कर रहे थे माइग्रेंट्स. तो वहाँ उन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया और 24 माइग्रेंट्स जो है वो अब तक जान गंवा बैठे हैं. ओके जिसमें से अधिकतर जो है वो झारखंड के थे. सो प्लीज़ आई एम टेलिंग यू माइग्रेंट्स को मैं स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ हालांकि ये केस उससे संबंधित नहीं है, मैं इस केस की बात नहीं करूँगी, ये केस को साइड में रखते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जीवित रहें बजाय इसके कि हमें अभी एट प्रेजेंट हाथों हाथ कहीं ना कहीं पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है या वर्क प्लेस पर पहुंचना है. उन सबसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारा जीवित रहना, क्योंकि फैमिली को इकोनॉमी या पैसों से ज़्यादा ज़रूरत है आपके जीवन की. ओके सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ गुजरात सुपर स्प्रेडर्स लाइक नेशनल टेली कंट्री रजिस्टर्स हाइएस्ट सिंगल डे इंक्रीज ऑफ 4,820 COVID-19 केसेस. मैं आपको बता देती हूँ हमारी कंट्री के अंदर एक दिन में सबसे ज़्यादा 4,820 केसेस जो है COVID-19 के एक ही दिन में कंटिन्यू बढ़ोतरी हुई है, एक ही दिन में रजिस्टर किए गए हैं. गुजरात जो है उसको सुपर स्प्रेडर्स माना गया है, सुपर स्प्रेडर्स जो है गुजरात के उनके ऊपर कार्य करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है गुजरात से ही बढ़ रहे हैं. गुजरात की अकाउंटिंग जो है वो करीब 1,057 है, 4,820 में से 1,057 तो सिर्फ गुजरात से हैं. सो हाईएस्ट लेवल ऑफ केसेस जो है गुजरात में देखने को मिल रहे हैं सैटरडे को. सो इट इज़ कंपल्सरी कि जो ये जो सुपर स्प्रेडर्स हैं गुजरात के उन्हें स्टॉप किया जाए, ये पता लगाया जाए वहाँ की केंद्र राज्य सरकार द्वारा कि कैसे क्या कार्य हो रहा है और क्यों कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक करीब 90,582 केसेस जो है अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 54,531 एक्टिव केसेस हैं और 2,874 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है. सो इट इज़ कंपल्सरी कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण कदम जो उठाने की ज़रूरत है उन्हें उठाते हुए इन केसेस को स्टॉप करने की कोशिश करें. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कंप्लेंट लास्ट थिंग ऑन माइंड्स ऑफ माइग्रेंट हेडिंग होम. देखिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स जो है चलाई जा रही है, जैसे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है उसने दादरी स्टेशन जो है 1-2 घंटे बाद लेट जो है छोड़ा था, जो टाइमिंग है उसे लेट छोड़ा था. सो पैसेंजर्स गोइंग टू बिहार हैप्पी टू बी ऑन बोर्ड. एंग्जाइटी एंड कन्फ्यूजन वर रिट लार्ज ऑन द फेसेस ऑफ द पैसेंजर्स वेटिंग फॉर द श्रमिक स्पेशल ट्रेन बाउंड फॉर बिहार औरंगाबाद टू डिपार्ट फ्रॉम द दादरी रेलवे स्टेशन ऑन द outskirts of Noida on Saturday. The train was scheduled to start at 11 but pulled out of the station a little after 1 PM. देखिए माइग्रेंट्स में जो एक्साइटमेंट है या उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है घर जाने का वो इस हद तक है कि दे वर हैप्पी टू गो टू देयर होम्स, बट इसी बीच में माइग्रेंट्स द्वारा ये कंप्लेन की गई कि जो लेट है ट्रेन का जो टाइमिंग है उसे काफ़ी लेट 2 आवर्स लेट चल रही है ट्रेन. करीब 11 बजे ट्रेन का टाइम था लेकिन 1 बजे पहुंची थी. तो इस मामले में मुझे लगता है कुछ पेशेंस माइग्रेंट्स को भी रखना होगा और कुछ पेशेंस रेलवे डिपार्टमेंट को भी रखते हुए प्रॉपर वे में वर्क करना होगा. ओके सो इट इज़ कंपल्सरी टू वर्क प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू COVID-19 बिकॉज वी आर सफरिंग विद पेंडेमिक. स्टिल पेंडेमिक इज नॉट कम्प्लीटली आई कैन से रिजॉल्व और ख़त्म नहीं हुआ है COVID-19, स्टिल वी आर सफरिंग विद इट. तो हमारी ज़रूरत है कि हम उस क्षेत्र में कार्य करें जहाँ ज़रूरत है.
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एमिड लॉकडाउन बीजेपी लॉन्चेस वर्चुअल कैंपेन अगेंस्ट ममता। ममता बनर्जी काफ़ी हाइलाइट्स में हैं अभी इन दिनों, काफ़ी न्यूज़ में रही हैं वो लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन के दौरान। और इसका रीज़न है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन ना हो पाना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो न्यूज़ है उनकी, एमिड लॉकडाउन बीजेपी लॉन्चेस वर्चुअल कैंपेन अगेंस्ट ममता। ममता बनर्जी के अगेंस्ट कुछ जो है बीजेपी के द्वारा वर्चुअल कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं उनके अगेंस्ट में इस लॉकडाउन के दौरान। सो लेट्स सी कितना किस हद तक कार्यरत होता है ये। और काफ़ी केसेस जो है वेस्ट बंगाल में देखने को भी मिल रहे हैं, तो वो लेट्स सी पार्टी ने हाईलाइट किया है ऐसे केसेस को जो डेथ केसेस या एक्सेस लेवल पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो उनको हाईलाइट किया गया है। लेट्स सी किस हद तक और कैसे ये वर्क करता है इस क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बीजेपी सेट्स अप सेंटर टू असिस्ट माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स को असिस्ट करने के लिए बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्थन जी ने सैटरडे को जो है प्रोवाइडेड फूड एंड अदर नेसेसिटीज़ टू द माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स को फूड और अदर नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई है, उसके अलावा उन्हें जो है अपने घर तक पहुंचाने के लिए भी प्रॉपर असिस्ट किया है, प्रॉपरली गाइड किया है। और ऐसे सेंटर्स ऑर्गेनाइज किए हैं जो कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर उनकी हेल्प करेंगे माइग्रेंट्स की। ओके, सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स माइग्रेंट्स, बिकॉज कंटिन्यूसली जो सफ़र कर रहे हैं माइग्रेंट्स उनके उनके चलते या उनको राह दिखाने के लिए दिस इज़ अ गुड स्टेप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसकी हम बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट द पुअर लेबरर्स ऑन द स्ट्रीट, ऐसा कहा है आपके मिनिस्टर या आपके जो हम कह सकते हैं लीडर ने, आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ने, दैट इज़ संजय सिंह। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है उन्होंने लेबरर्स को बीच सड़क पर छोड़ दिया है, गरीब लेबरर्स को। ऐसा उनका क्यों कहा गया है उनके द्वारा, औरैया ट्रेजेडी जो हुई है जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ट्रॉली और सॉरी ट्रेलर और लॉरी के बीच जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके तहत 24 माइग्रेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसके तहत सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी की इस फॉर्मर मेंबर द्वारा ये बात कही गई है। सो लेट्स सी किस हद तक इसे अपने आप को सरकार पॉजिटिविटी लेती है इस बारे में, या किस हद तक सरकार अपने आप को पॉजिटिव शो कर पाती है। द नेक्स्ट इज़ न्यू शेटर्स रॉन्ग नोशंस इन इट्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है उसके तहत न्यू ने अपना एक नेक्स्ट मॉडल पेश किया है। मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का जो है ये एक सिटी है जिसके तहत 360 जो ओवरऑल केसेस हैं उसका मैक्सिमम केसेस जो है ये स्टेट कैरी, ये पर्टिकुलर एरिया कैरी कर रहा था, न्यू जो है सिटी वो कैरी कर रहा था। उसका रीज़न ये था कि ये पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड रीज़न है। ओके, सो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऑल ऑफ सडन मैक्सिमम लेवल ऑफ केसेस से डायरेक्टली 2% से भी कम केसेस पर आ जाना। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे न्यू मॉडल पेश किया गया है। मिस्टर विक्रम जो कि 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से मॉडल को हैंडल किया है, जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है, उसे एक मॉडल के रूप में पूरे देश में पेश किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। ये पर्टिकुलरली ऐसा मॉडल है जिसके तहत जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, कमिश्नर है, दैट इज़ मिस्टर विक्रम, उनके द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे। तबलीगी इस जमात से जो जाने वाले लोग थे उनको ट्रेस करके और उनको आइसोलेट करते हुए, उनको क्वारंटाइन करते हुए इस मॉडल को फॉलो किया गया था। सो न्यू मॉडल जो है वो अपने आप में एक बहुत हम कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर आया है। एंड आई थिंक एवरी स्टेट गवर्नमेंट और एवरी रीजन्स कमिश्नर और मिनिस्टर शुड गो थ्रू दीज टाइप ऑफ मॉडल्स। ओके, बिकॉज दीज टाइप ऑफ मॉडल्स कैन वी कैन से कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम कोविड-19। एंड बिकॉज वी आर सफरिंग विद कोविड-19, इट इज़ अ वेरी easily transmissible disease, so we should go through these type of activities, or I can say these type of norms.
जो हर स्टेट में, हर रीजन में, हर सिटी में अगर इस तरह के मॉडल्स पेश किए जाते हैं तो अपने आप में पॉजिटिव रेंज लेकर आते हैं। हालांकि तबलीगी जमात से आए लोगों का एक मुस्लिम डोमिनेंस रीजन के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना, इस तरीके से बढ़ते हुए केसेस को रोकना प्रैक्टिकली किसी कमिश्नर के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारे क्षेत्रों में कंटिन्यू केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि नॉन मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट भी हैं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम डोमिनेंट रीजन्स के अंदर भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। और उस क्षेत्र में जो मुस्लिम डोमिनेंट है, तबलीगी से आए लोगों को ट्रेस करना, उनको आइसोलेट करना, उनके जो उनके लिए जो ज़रूरी मापदंड है और अन्य लोगों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए जो ज़रूरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉडल पेश करता है। नेक्स्ट न्यूज इज बंगाल टू पे फॉर रिटर्न ऑफ माइग्रेंट सेज ममता। ममता बनर्जी, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, काफ़ी न्यूज़ में है वो, और उन्हीं के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने ऑफिशियली लेटर लिखकर रेलवे से शेयर किया है कि बंगाल जो आने वाले माइग्रेंट्स हैं, बंगाल रिटर्न करने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बंगाल खुद पे करेगा। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव ऑफ एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लोगों को हेल्प करते हैं इन चीज़ों से बाहर आने में। जैसे माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो टेंशन है वो सर्वाइव करना है, और उसके बाद में उनके लिए जो है ट्रेन्स के रिजर्वेशंस के या टिकट्स के पैसे पे करना अपने आप में एक टास्क है बड़ा, है ना। तो सरकार द्वारा जो है, या हम कह सकते हैं राज्य सरकार द्वारा, वेस्ट बंगाल के सीएम द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो गवर्नमेंट खुद बियर करेगी। नेक्स्ट न्यूज इज केरला टू सोर्स वेदर इनपुट्स फ्रॉम प्राइवेट एजेंसीज। मैं आपको बता देती हूँ कि आईएमडी के जो नेटवर्क हैं उसमें से 15 स्टेशन जो है वो रिलायबल फाउंड नहीं हुए हैं या इनएडिक्वेट फाउंड हुए हैं। तो उसके तहत केरला जो है, केरला स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये ऐसा डिसाइड किया गया है कि हम आईएमडी के बेस डेटास पर बेस्ड नहीं रहेंगे, और उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज़ को वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर इनपुट्स के लिए जो है हायर किया है, या हम कह सकते हैं उनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि आप हमें वेदर इनपुट्स देंगे। ऐसा क्यों किया गया है? आईएमडी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हुए भी केरला के द्वारा जो है प्राइवेट एजेंसीज़ को क्यों ऐसा जो हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या ऐसा प्रिविलेज दिया गया है कि वो इस क्षेत्र में कार्य करें? तो देखिए आईएमडी के 15 स्टेशंस हैं जो कि अनरिलायबल या अनएडिक्वेट हम कह सकते हैं फाउंड हुए हैं, जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं करते, और आईएमडी के डेटास को लेकर इसीलिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट रहते हैं। मैंने आपको बताया था, हमने 2 डेज बिफोर, जस्ट 2 डेज हमने डिस्कस किया था कि आईएमडी और स्काई जो है, स्काई कुछ समथिंग कुछ स्काई स्क्रैपर्स था और समथिंग कुछ कंपनी थी, प्राइवेट एजेंसी थी जिसने कुछ अपने डेटास दिए हैं मॉनसून को लेकर। तो आईएमडी का ये कहना है कि 5th of June को आएगा, जबकि उस पर्टिकुलर कंपनी का ये, प्राइवेट एजेंसी का ये कहना है कि 28th May को ही मॉनसून आ जाएगा। तो इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आईएमडी और अदर प्राइवेट एजेंसीज के बीच में डेटास में हमेशा देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी किस हद तक जो है प्राइवेट एजेंसीज प्रॉपरली वर्क कर पाती है और किस हद तक आईएमडी के डेटास इस बार करेक्ट जाते हैं। हालांकि हर बार यही उम्मीद की जाती है, लेकिन पॉजिटिवली आई कैन से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट न्यूज इज टॉक ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन अ क्रूअल जोक एमिड माइग्रेंट क्राइसिस। ये कहा गया है आनंद शर्मा द्वारा, जो कि डेप्यूटी लीडर हैं स्टेट सॉरी कांग्रेस के राज्यसभा में। इनका ये कहना है कि एट दिस टाइम जो हम माइग्रेंट्स और गवर्नमेंट बहुत हाई लेवल पे वर्क कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करना अपने आप में एक बहुत ही भद्दा मजाक है। अब ये स्टेटमेंट किस क्षेत्र में था या किसको हिट कर रहा था या किस को पॉइंट आउट करता है, ये क्लियरली वी कैन से सी दिस। सो उनका ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के दौरान या आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन आता है, या जिस तरह के जो प्लेनेटरी जो है सिस्टम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं या प्राइवेट एजेंसीज को हायर
हायर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ उन्हें ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इस क्षेत्र में कार्य करें। तो इस तरीके का कार्य जो है किसी भी हद तक माइग्रेंट्स क्राइसिस को या COVID-19 के क्राइसिस को कम नहीं कर देता है। ओके, सो यूनियन बजट हिट्स यूनियंस हिट आउट अगेंस्ट फिनेंस मिनिस्टर्स प्राइवेटाइजेशन अनाउंसमेंट। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इम्प्लीमेंट किया गया है एक पॉलिटिकल एजेंडा क्राइसिस को देखते हुए, क्राइसिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उनके लिए जो क्राइसिस को शॉर्ट आउट करने के लिए सरकार द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन का फंडा यूज़ किया जा रहा है, तो उसको लेकर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की यहाँ बात की गई है, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, जो हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया अपोजेज रीजॉइनिंग RCEP ओवर चाइनाज कंसर्न। RCEP मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, सो इसके तहत इसमें इन्वॉल्व होने के लिए इंडिया ने अपोज किया है रीजॉइनिंग को, और ये क्यों किया है, चाइना के कंसर्न को लेकर। ओके, सो हम इस आर्टिकल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट मच, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये आप लोग खुद से रीड करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कल के आर्टिकल में दूंगी। इवन आज ही आपको कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन जो है RCEP से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ओके, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। द नेक्स्ट न्यूज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज़, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो काफ़ी हद तक यूज़लेस हो जाती है। यूज़लेस मतलब, देखिए न्यूज़ यूज़लेस नहीं होती है, लेकिन हमारे लिए को हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, एस्पिरेंट्स के लिए या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए यूज़फुल नहीं होती है, तो वो न्यूज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, अदर देन दिस नेक्स्ट न्यूज इज प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स ऑफ UTs विल इम्प्रूव फिनेंसिस। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट आर्टिकल में कि फिनेंस मिनिस्टर ने UTs जो है वहाँ के डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया है, वहाँ पे ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि फिनेंशियल पोजिशन को जो है स्टेबल किया जा सके या रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, है ना। ये स्टिमुलस पैकेज जो 4 जो है अनाउंस हुआ है कल फिनेंस मिनिस्टर द्वारा, उसमें ये अनाउंस किया गया है, तो काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव करेगा ये हमारे फिनेंस सिस्टम को। ये एक बहुत अच्छी टैरिफ पॉलिसी है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी क्रॉस सब्सिडीज़ को रिमूव किया जा सकता है। ओके, सेंट्रल्स डिसीजन टू प्राइवेटाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन यूनियन टेरिटरीज इज सीन एज अ मूव दैट विल इम्प्रूव गवर्नमेंट फिनेंसिस एंड ब्रिंग मच मोर एफिशेंसी टू द सेक्टर। इस सेक्टर में इसे प्राइवेटाइज करना मतलब और भी बाहर के जो जो लोग इसे परचेज कर रहे हैं या जो लोग प्राइवेटाइज सेक्टर्स के अंदर कार्य करने के लिए कार्यरत होंगे, उनके लिए एक नया इनोवेटिव आइडियाज़ अप्लाई करने का एक नया प्लेटफॉर्म जो है मिलेगा उन्हें, और उसी के साथ में इस एरिया को, इस डिस्कॉम क्षेत्र में भी काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, सो होपफुली ये काफ़ी अच्छा स्टेप रहेगा और काफ़ी प्रॉपरली वर्क करेगा इस क्षेत्र में। नेक्स्ट, ये जो पेज है पेज नंबर 12, इसके बारे में मैं आपसे कहूँगी कि यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। रिफॉर्म और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए थे, वो स्टिमुलस पैकेज के तहत जो भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं सरकार द्वारा, जो भी मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने के लिए या अदर रिफॉर्म्स के लिए, तो उससे रिलेटेड जो हम कह सकते हैं FAQs है, मतलब जो क्वेश्चंस बेस्ड आंसर्स है, वो यहाँ दे रखे हैं। उसके अलावा MSMEs जो है उसके अंदर भी फर्स्ट जो पैकेज अनाउंस हुआ था MSMEs में इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी इसके अंदर दिया गया है, उससे रिलेटेड भी मेजर क्वेश्चंस और आंसर्स। देखिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं एक्चुअल एस्पिरेंट के माइंड में, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं जब भी वो किसी नई चीज़ के बारे में सुनता है, है ना। तो ये जो 4 डेज के जो पैकेजेस आए हैं, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो अपने आप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रिएट करती हैं। इस दौर में जब हम COVID-19 से गुजर रहे हैं, उस दौर में ये सारे पैकेजेस अनाउंस होना इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए जहाँ पे सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और तो हमारी ज़रूरत है कि हम इन सारे आर्टिकल्स को प्रॉपरली पढ़ें, इनसे रिलेटेड एक डेटा क्रिएट करें, एक नया जो है हमारे पास में फाइल क्रिएट करें, जिसके अंदर हम इन सारे पैकेजेस को लेकर इवेल्यूएट करें कि सरकार के ये स्टेप्स किस हद तक पॉजिटिविटी में जा रहे हैं और किस हद तक जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं। ओके,
देखिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू गो थ्रू ऑल दीज टाइप ऑफ डेटाज बिकॉज ये क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं हम इसे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये डेटा कलेक्ट करना अपने आप में पॉजिटिव साइन लेकर आता है कि आप किस क्षेत्र में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। एक वर्किंग स्ट्रैटेजी एज अ एस्पिरेंट, आप कैसे सिचुएशंस को समझते हैं, कैसे आप पैकेजेस को समझते हैं, कैसे आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझते हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको इस तरह का डेटा देता है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर दीज स्टिमुलस पैकेजेस एंड यू शुड वर्क ऑन इट। ओके, नेक्स्ट इज मसेकर इन दी मैटरनिटी वार्ड, जो है काबुल के एक अस्पताल में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके अंदर 24 जो है जाने गई, और इंट्रा अफगान पीस टॉक्स के तहत ये हमला हुआ है, और ये इस पीस टॉक के अंदर होने वाली जो डिले है, देरी को देखते हुए इस तरह का टेररिस्ट अटैक किया गया है। ये हमने एक आउटलाइन पढ़ी है, इसकी हेडिंग पढ़ी है, आप इसे इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए बिकॉज काफ़ी सारे जो फैक्ट्स इस आर्टिकल में दे रखे हैं एंड यू विल गेट इट कि ऐसा क्यों हुआ है, ये हमला क्यों हुआ है। ओके, सो हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के सारे डिस्कस किए हैं, जितने भी मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रह जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है एंड वी शुड डिस्कस अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में ना, कुछ क्वेरीज हैं अगर किसी भी आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है नहीं भी किया है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईजीली यू कैन आस्क मी। ओके, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस बिकॉज दीज क्वेश्चंस ऑफ योर्स एंड दीज आई कैन से क्वेरीज ऑफ योर्स आपका अटेंशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ट्राई टू गो थ्रू ऑल दीज आर्टिकल्स, पढ़िए ये सारे आर्टिकल्स, हो सके तो आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो रहा है जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट वी कैन गो थ्रू ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वी कैन स्ट्रॉन्ग आर हम कह सकते हैं फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम अपनी, है ना, एग्जाम से लेकर। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी संडे, बाय बाय।